हेलो गाइस, कि आप लोग भी वैक्सीन करवाना चाहते हो लेकिन पार्लर में जाना आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, तो चलिए इसी बारे में आपको मैं वैक्स बनाना और वैक्स कैसे लगाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है दो नींबू। इन दोनों नींबू को अच्छे से काटो और इनका जो जितना भी पूरा रस है उस पूरे रस को एक कटोरी में निकाल लो। सारा रस कटोरी में अच्छे से निकालने के बाद आप देख सकते हैं कम से कम दो चम्मच के करीब ये रस निकल चुका है, क्योंकि मेरे नींबू बहुत छोटे छोटे थे। उसमें मैंने चुटकी भर हल्दी डाला है और दो चम्मच डाला है इसमें चीनी। दो चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करना है। करने के बाद हमें इसे गैस पे डाल देना है। गैस पे हमें इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है, जब तक इसमें अच्छे सा उबाल ना आ जाए, बबल्स ना आने लगे, थोड़ा चिपचिपा सा ये पेस्ट की तरह ना बन जाए, चिपचिपा की तरह। वेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से उबाल आने लगेगा। इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं बबल आने लगे हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा सा फॉर्म ना बन जाए। तो उतार लिया है, इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए, थोड़ा चिपचिपा सा। नीचे उतारते ही 2 मिनट के अंदर ही हमें इसमें 1 चम्मच शहद मिला देना है। शहद मिलाने से ये होगा कि हमारी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई पिंपल की तरीके से दाने आने नहीं आएंगे, हमारी स्किन स्मूथ भी रहे। आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे या हाथों पे कितने लंबे लंबे बाल हैं, तो इन्हीं बालों को मैं हटाने वाली हूँ। तो मैंने चम्मच के पीछे वाली साइड से इसको अच्छे से अपने हाथों पे लगा लिया है जहाँ पर भी मुझे बाल हटाने हैं। और मैंने एक जींस का टुकड़ा लिया है, यानी कि पुराने जींस को काट लिया था पट्टियों के तरीके से, इसे अपने हाथों पे प्रेस किया है जहाँ मुझे ये बाल हटाने थे। प्रेस करना है अच्छे से और एकदम से पुल करना है एकदम झटके से। और आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आया है, ये मुझे जहाँ बाल हटाने थे वहाँ से बाल कितनी अच्छी तरीके से हट गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का हिस्सा कितना स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हैं वहाँ बगल में इसके कितने बाल हैं, यहाँ जहाँ मैंने हटाया वहाँ कितनी अच्छी तरीके से ये हट चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फॉलो फॉर मोर।